हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आरचे एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लासेस वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पार्ट वी सी द रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विच इज कंटिन्यू इन दिस वीडियो आल्सो। यू सी केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोलिक ग्रुप, already we complete this. Next day chemical reactions, not more important but is also necessary in this study. Reaction with a zinc metal जो होती है उसके साथ में reaction कराएंगे phenol की, that will be zinc dust used. It will be remove of oxygen atom and formation of zinc oxide and there will be formation of a benzene. So from phenol to benzene formation, what will be the process? We take zinc metal and on heating, इसको heat करेंगे, heating करने पर that means heat करने पर क्या होगा? Benzene का formation होगा, okay? Next है normal reaction with ammonia. You can see the structure of ammonia, that is NH3. That will be divided into two parts, NH2 and H. So there will be comes a part that is NH2. So phenol will be reacted with ammonia. OH phenol reacted with ammonia NH3 in the presence of zinc chloride. On high temperature and formation of aniline. इसका formation हो गया, aniline का formation हो गया, that compound is called aniline. Okay, aniline. फिनोल से एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? व्हाट विल बी द प्रोसेस टू फॉर्म फिनोल टू एनिलीन? सो यू विल बी यूज दिस रिएक्शन वेरी इजी। इफ कम अमोनिया देन विल बी ग्रुप अटैच, दैट इज NH2 ग्रुप एंड ऑन बेंजीन रिंग सो यू कैन सी OH ग्रुप इज रिमूव एंड एडिशन ऑफ NH2 ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ aniline from phenol. Okay, next reaction you can see of this part, that is phenolic part. What will be the formation of product? You will see fourth reaction, that will be reaction with TCl5. Reaction with TCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप रिएक्शन कराएंगे इसकी फिनोल की, दैट इज फिनोल OH ग्रुप रिएक्ट विद TCl5 ऑन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज वेरी इजी, क्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मेशन होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करोगे? किसके थ्रू? फिनोल से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए TCl5 में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो Cl होता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ऐसे दो Cl ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक Cl यहाँ पर काम आ चुका है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और साथ में यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो OH ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर Cl का एडिशन हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर अपने पास में यहाँ पर जिसका फॉर्मेशन है POCl3 प्लस से अपने को एसिड मिल जाता है। मेन प्रोडक्ट इसमें क्या है? मेन प्रोडक्ट हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया भाई, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। फिनोल से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोसेस टू फॉर्म फिनोल टू क्लोरोबेंजीन? दैट विल बी रिएजेंट यूज, दैट इज
फास्फोरस पेंटा क्लोराइड किसको यूज करेंगे? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट विल बी रिएक्शन नंबर 5, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन. एस्ट्रिफिकेशन का मीन है ऑलरेडी वी नो इफ एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एस्टर. इसका फॉर्मेशन होता है एस्टर का. दैट मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप की अगर रिएक्शन अगर फिनोलिक ग्रुप की अगर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव की जाती हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा. दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन. क्या कहलाएगी? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस कहलाती हैं. दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल रिएक्ट विद आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, then there will be formation of ester, there will be remove of H and also there will be OH and due to this there will be formation of ester, that will be group OC double bond OCH R C double bond, it will be ester. That is benzylic ester. कौन सा ester होगा? Benzylic ester का formation यहाँ पर हो जाएगा. तो very easy reaction. Next reaction is very important reaction. That is oxidation reaction. Okay. Next sixth number reaction study करने वाले हैं phenol की. That is oxidation reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दैट इज फिनॉल विच रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड. इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड that is a oxidizing reagent and formation of benzoquinone as a major product. So that is called oxidation reaction of phenol. Already we see this reaction in physical properties. If you know, in physical properties we see the oxidation of phenol. और उसमें आपने देखा था किसका formation हो रहा था? Oxidation of phenol in the presence of chromyl chloride, that is formula CrO to Cl2 chromyl chloride, that is oxidizing agent. In the presence of this there will be formation of very important compound that is called benzoquinone. That is called parabenzoquinone. Parabenzoquinone का formation इसके through हो रहा है oxidation of phenol. तो phenol का oxidation कराने से इसका formation है पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन है. इट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वेरी इम्पोर्टेंट. व्हाट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ऑफ फिनोल? व्हाट विल बी द रेजेंट यूज टू फॉर्म फिनोल टू पैराबेंजोक्विनोन? आपको रिंग के ऊपर लिखा था यहाँ पर कौन सा रेजेंट आप यूज करेंगे. दोनों प्रोसेस आपको ऑलरेडी आनी चाहिए. व्हाट विल बी द प्रोसेस टू गेन पैराबेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनोल?
सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर प्रवृत्ति. सो द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ए फिनोलिक ग्रुप इज ऑलरेडी कंप्लीट विद दिस लेक्चर. इन नेक्स्ट वी सी द रिएक्शन ऑफ ए बेंजीन ड्रिंक इन फिनोल. सो टुडे दैट इज सफिशियंट. थैंक यू.